नमस्कार, वेलकम टू भूगोल शाला। मैं पूनम यादव, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट रहने वाला है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिटिश या ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये द्वीप है उत्तरी आयरलैंड और इसका ये ऊपर वाला पार्ट है जिस पे ब्रिटेन का अधिकार है, ठीक है। तो ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से बिलोंग करने वाले जो थिंकर हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ज्योग्राफी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ब्रिटेन में भौगोलिक चिंतन का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो ब्रिटेन में आधुनिक भौगोलिक विचार 1830 से स्टार्ट हुआ और 1830 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन की स्थापना के बाद विकास हुआ, ठीक है। तो 1830 से ब्रिटेन में भौगोलिक चिंतन का विकास प्रारंभ हुआ, जिसमें रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की जो बुक्स राइट की गई, जो पत्रिकाएं, मानचित्रों के संग्रह के माध्यम से भूगोल में एक अपना एक अलग विषय के रूप में शुरुआत हुई। मैकिंडर ने 1887 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में औपचारिक रूप से ब्रिटिश भौगोलिक चिंतन की शुरुआत की, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैकिंडर ने जो भू राजनीति पे काम करते हैं और हृदय स्थल संकल्पना देते हैं, उस समय उन्होंने हम कहें कि तहलका इन्होंने मचा दिया था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के माध्यम से स्कूल ऑफ ज्योग्राफी का। हलफोर्ड मैकिंडर के द्वारा भौगोलिक चिंतन में शुरुआत की गई। मैकिंडर के नेतृत्व में इस भौगोलिक विचारधारा में शामिल होने वाले प्रमुख भूगोलवेताओं में हलफोर्ड, जॉन हर्बर्टसन, तो ये विद्वानों के नाम हैं जिनको अभी हम देखेंगे कि हर्बर्टसन कौन है, जो प्राकृतिक पूरे विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड करते हैं और वो कितने भागों में बांटते हैं, पूरे विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। हाँ, इनके अलावा एल डब्ल्यू लाइट, सीबी फासेट जो अर्बन सीमाओं के ऊपर बात करते हैं, जॉर्ज गोल्डी चिसोलम की हम बात करें तो चिसोलम कमर्शियल ज्योग्राफी के फादर हैं और हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी का 6th जो एडिशन है वो चिसोलम ने लिखा। नेक्स्ट देखिए, रॉक्सबी विद्वान हैं, सिडनी विलियम वुलरीज हैं, जॉन प्लेफेयर, डडली स्टाम्प। अब डडली स्टाम्प ने भी लैंड यूज के ऊपर काम किया है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। इन भूगोलवेताओं ने भूगोल के विभिन्न पहलुओं पर काम किया और ब्रिटिश की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित किया कि यहाँ पर ज्योग्राफिकल थिंकर हैं वो काफी वर्क कर रहे हैं। तो विशिष्ट और वैज्ञानिक शाखा के रूप में ब्रिटेन के ज्ञान को इन्होंने विकसित किया। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना जॉन स्कॉटकेल्टी के द्वारा, ठीक है। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के अलावा रॉयल स्कॉटिश ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना भी की गई, जो कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में की गई, बार्थोलोम्यू डाइस के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जो भी थिंकर हुए हैं, ब्रिटिश ज्योग्राफर जो हुए हैं
उन्होंने क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है और किस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हालफोर्ड मैकिंडर, तो मैकिंडर ने हृदय स्थल संकल्पना दी है, हृदय स्थल सिद्धांत दिया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कृतियां की हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी है, द राउंड ऑफ द वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। तो हालफोर्ड मैकिंडर हृदय स्थल सिद्धांत देते हैं, जिसमें वो ब्रिटेन को सेंटर में दिखा करके कहते हैं कि दुनिया के ऊपर शासन करने वाला एकमात्र देश फ्यूचर का रहेगा। इस तरह की बातें इन्होंने दी है। मैकिंडर के द्वारा प्रोजेक्शन भी बनाया गया है, मानचित्र भी में भी इन्होंने काम किया है। तो हालफोर्ड मैकिंडर के बाद आते हैं देखिए सर पैट्रिक गैडिस, तो ये गैडा लिखा हुआ है, सर पैट्रिक गैडिस भी बोलते हैं। तो सर पैट्रिक गैडिस ने क्या किया है, कोनार बेसिन जुड़वा नगर सन नगर नगर माल की संकल्पना दी है। ठीक है, तो जुड़वा नगर या हम कहें कोनार बेसिन वर्ड का यूज किया है और अर्बन ज्योग्राफी में इन्होंने योगदान दिया है। रॉबर्ट मिल ब्रिटिश के ज्योग्राफर हैं जो अर्बन पर काम करते हैं। एंड्रयू जे हर्बर्टसन, तो हर्बर्टसन के बारे में अभी पीछे बताया कि पूरे विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक विद्वान का नाम आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, डार्विन। हालांकि डार्विन ज्योग्राफर नहीं है, लेकिन डार्विन एक थिंकर है, एक फिलोसोफर है। हम कहें डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा और इन्होंने शत्रुमुख के स्पीसीज पे वर्क किया है। तो डार्विन ने भी एक महत्वपूर्ण थिंकर हुए हैं ब्रिटेन के। चलिए चिसोलम, विद्वान हुए हैं। चिसोलम ने क्या किया है, हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी लिखा है। तो चिसोलम वाणिज्य भूगोल के पिता भी कहलाते हैं। वाणिज्य भूगोल के पिता कहलाते हैं चिसोलम। चलिए अगला देखिए एच जे फ्लूअर। तो एच जे फ्लूअर क्या करते हैं, ये लीपले और पैट्रिक गैडिस के विचारों से ही प्रभावित थे, जबकि पैट्रिक गैडिस है वो लीपले के विचारों से प्रभावित थे। लीपले जर्मन ज्योग्राफर हैं और उन्हीं के कर कमलों पर चलते हुए पैट्रिक गैडिस ने भी स्थानकारी समाज की संकल्पना पर काम किया है, जबकि उन्होंने लीपले से उलट करके अपनी एक अवधारणा रखी। तो नेक्स्ट देखिए पैट्रिक गैडिस और लीपले के विचारों से प्रभावित थे ये एच जे फ्लूअर, और इन्होंने पोषण खुशहाली इस तरह की स्टेटमेंट्स पर काम किया है। पीएम रॉक्सबी, तो पीएम रॉक्सबी हैंडबुक ऑफ चाइना। हैंडबुक ऑफ चाइना लिखते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यू एस डब्ल्यू वुलरिच। तो वुलरिच का नाम आपने बहुत बार सुना है, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, वो बुक इनकी काफी फेमस है, उस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए रिचार्ड जे चॉर्ली, रिचार्ड जे चॉर्ली। तो पीटर हेगेट और चॉर्ली दोनों ने ही मिलके मॉडल्स इन ज्योग्राफी राइट किया है। ठीक है, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पीटर हेगेट की बुक है, और रिचार्ड जे चॉर्ली और पीटर हेगेट ने कंबाइनली दोनों ही समकालिक हैं, और इन्होंने मात्रात्मक क्रांति पर बहुत ज्यादा वर्क किया है, मॉडल्स पर वर्क किया है। क्लियर है, बाकी इनके बारे में जो बाकी की डिटेल है वो हम आगे जाकर देखेंगे। सर डडले स्टॉम,
इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है लैंड यूज पैटर्न बताने में। और यहाँ एशिया की भी इन्होंने यात्रा की, तो म्यांमार में रंगून यूनिवर्सिटी में भी ये ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं। चलिए इनके बाद देखते हैं टिमोथी ओ री ऑर्डन। तो टिमोथी डी ऑर्डन भी ब्रिटिश के ज्योग्राफर हैं। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफर रहे हैं। अनस्टीट और नेक्स्ट विद्वान है सी बी फासेट, ईस मिल्स, जूट और वाल्केनबर्ग। ये भी ब्रिटिश थिंकर हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को आगे बढ़ाने में। तो अनस्टीड के द्वारा एक महत्वपूर्ण बुक लिखी गई जिसका नाम है सामान्य व प्रादेशिक भूगोल। नेक्स्ट देखिए सीबी फासेट के द्वारा सीमाओं पर कार्य किया गया। नेक्स्ट देखिए ईस्ट मेल्स के द्वारा नगरीय उपांत क्षेत्र प्राइंग एरिया पर कार्य किया गया। जूट भी ब्रिटिश के फेमस विद्वान रहे हैं। वाल्केनबर्ग के द्वारा कृषि प्रदेशों का अब एशिया के कृषि प्रदेशों के बारे में वाल्केनबर्ग ने बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण विद्वान रहे हैं। अब हम इनको डीपली महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हालफोर्ड मैकिंडर। तो हालफोर्ड मैकिंडर कौन है, जिन्होंने हृदय स्थल संकल्पना दी है, हार्ट लैंड दिया है। हालफोर्ड मैकिंडर ब्रिटिश थिंकर हैं जो 1861 से 1947 तक रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिशियन हैं। हालफोर्ड मैकिंडर सर हालफोर्ड जॉन मैकिंडर के नाम से जाने जाते हैं, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के संस्थापक रहे हैं। इनके कार्यकाल के दौरान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक अलग भूगोल विभाग खोला गया। उन्होंने रेड जेल के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और रेड जेल ने डार्विन के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। वही रेडजेल की दृष्टिकोण को इन्होंने स्वीकार किया और तभी इन्होंने हार्टलैंड थ्योरी दी है। तो मानव भूगोल वेता वास्तविक भूगोल वेता है, ऐसा रेडजेल के दृष्टिकोण को इन्होंने माना है। भूगोल वेता बनने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है, तो ये इंपेरिकल सोच रखते हैं। अपने दृष्टिकोण का पालन करते हुए उन्होंने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की। ठीक है, परीक्षणकर्ता होना आवश्यक है, इसी कारण से ये फील्ड में जाकर के सर्वे किया है। इन्होंने पूर्वी अफ्रीका की यात्रा की है, माउंट केन्या पर भी इन्होंने चढ़ाई की है। और अगर हम बात करें 1902 की, तो ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई। और 1904 में पियोट एरिया शब्द का इन्होंने यूज किया, पियोट एरिया। और वो कौन सी बुक में इन्होंने यूज किया है, धुराग्र क्षेत्र जिसको हम पियोट एरिया कहते हैं। तो इतिहास की भौगोलिक दूरी की अवधारणा, ज्योग्राफिकल पियोट एरिया ऑफ हिस्ट्री इनकी बुक है, उसी में इन्होंने पियोट एरिया या धुराग्र क्षेत्र की बात की है, जिसको इन्होंने हार्टलैंड का नाम दिया आगे जाकर, जिसे मैकिंडर का हार्टलैंड सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी बुक में इन्होंने हार्टलैंड की थ्योरी दी है, धुराग्र क्षेत्र पिवोट एरिया शब्द का यूज भी इसी बुक में किया है।
जिसमें सुझाव दिया कि यूरेशियाई भूभाग में हार्टलैंड पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण था। उनके विचारों को राजनीतिक भूगोल के अध्ययन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। क्या समझे आप इस बात से कि ये पॉलिटिकल ज्योग्राफर हैं, इन्होंने भू राजनीति पर काम किया है, रेड जेल के विचारों से ये प्रभावित थे और इनकी एक स्टेटमेंट थी कि जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर अधिकार करता है। इसी सेंट्रल एरिया पर जो भी देश शासन करता है, जो भी क्षेत्र अपना अधिकार स्थापित रखता है, वो एक विश्व द्वीप पर शासन करता है और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वही पूरे विश्व पर शासन करता है। इसलिए इन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बताया, ठीक है, और अपने आप को किसको, हार्टलैंड वालों को, ठीक है। हार्टलैंड क्या है, विभिन्न देशों का एक समूह होगा और उस एरिया पर किसी भी देश से कोई तात्पर्य नहीं है। इस हार्टलैंड एरिया से तात्पर्य है विभिन्न देशों की जो एरिया है, जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वही क्षेत्र एक ऐसा आइडियल स्थान है जिस पर जो शासन करेगा, इस शक्तिशाली क्षेत्र पर जो शासन करता है, मान लीजिए वो विश्व द्वीप पर शासन करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करेगा वो पूरे विश्व पर शासन करेगा, अर्थात वो पूरे विश्व का विजेता रहेगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसी को हार्टलैंड कहा जाता है। उन्होंने 1919 में प्रकाशित अपनी अगली बुक, तो ये बहुत सारी बुक राइट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सागर लिखा। 1904 में इन्होंने ज्योग्राफिकल प्योर्ड एरिया ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हार्टलैंड को प्रकाशित किया था। अब ये 1919 में एक पुस्तक प्रकाशित करते हैं, डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, और इसमें हार्टलैंड के सिद्धांत को विकसित किया या विस्तृत किया, ठीक है। हालफोर्ड ने भू रणनीतिक सिद्धांतों की नींव रखी। अब भू रणनीतिक विचारों की या सिद्धांतों की नींव रखी है। सबसे पहले हम कहें कि जियो पॉलिटिक्स का पहला सिद्धांत यही है हार्टलैंड वाला, जिससे दुनिया भर में विभिन्न भूगोल वेताओं को भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, ठीक है। सिंपली पहले फिजिकल ज्योग्राफी पे, ह्यूमन ज्योग्राफी पे, अर्बन पे, ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा था, पर इसी समय पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक पहलू लेकर चलते हैं, भू राजनीति, ठीक है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से रेड जेल का एक विचार था, जो लेबेंसराम की संकल्पना देते हैं, रेड जेल उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के मैकिंडर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है जो शक्तिशाली है और उस पर अधिकार करने वाला और भी अधिक शक्तिशाली होता है, तो जिसको जो शक्तिशाली है उसे ही अस्तित्व में बने रहने का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो हार्टलैंड एरिया है, वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, इसके ऊपर जो शासन करेगा वो पूरे विश्व द्वीप पर शासन करेगा, क्लियर है। तो यही जियोपॉलिटिक्स है। ऐसी अवधारणाओं को हालफोर्ड मैकिंडर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट विद्वान, ह्यूज रॉबर्ट मिल। ह्यूज बड़ा रोबोट, ये रोबोट है कि इंसान है, चलिए देख लेते हैं। ह्यूज रॉबर्ट मिल 1861 टू 1950, ये डार्विनियन पर्यावरणवाद और ओटो स्लूटर के रूपात्मक दृष्टिकोण। अब आप क्या समझेंगे कि डार्विनियन पर्यावरणवाद, जिसकी बात कर रहे हैं प्रोसेस की, स्पीसीज के लुप्त प्राय हो जाने की, अस्तित्व में बने रहने की, तो उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच से इफेक्ट हुए और भौतिक विज्ञान की अवधारणा में मनुष्य का भूगोल भी शामिल था। इन्होंने पानी का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक बुक पुस्तक इन्होंने लिखी जो 1891 में प्रकाशित हुई, रीम ऑफ नेचर। उन्होंने जलवायु विज्ञान में योगदान दिया, ह्यूज रॉबर्ट मिल ने जलवायु विज्ञान में योगदान दिया और ब्रिटेन 50 वर्षों के औसत वर्षा डेटा के आधार पर, तो ब्रिटेन के डाटास लिए रेन के, ठीक है, वर्षा के 50 सालों के इन्होंने डाटा एकत्र करके वर्षा मानचित्र, रेनफॉल मैप भी बनाए और ब्रिटेन के लिए भूमि उपयोग मानचित्र यानी लैंड यूज मैप भी इन्होंने रेडी किए, ठीक है, जिन्होंने समुद्र या भौतिक या पानी की स्टडी के लिए रीम्स ऑफ नेचर रेडी की इन्होंने एक बुक,
ठीक है। और वर्षा मानचित्र बनाए, भूमि के लैंड यूज मैप भी इनके द्वारा बनाए गए। सर पैट्रिक गैडिस 1854 टू 1932 तक का इनका समय रहा है। और सर पैट्रिक गैडिस लीपले के शिष्य रहे हैं। लीपले जर्मन ज्योग्राफर, और जर्मन ज्योग्राफर लीपले के ही शिष्य सर पैट्रिक गैडिस रहे हैं। तो लीपले के शिष्य होने के नाते इन्होंने जो लीपले के द्वारा काम किया गया, क्या काम किया गया था लीपले के द्वारा, स्थान कार्य और समाज। की संकल्पना दी, ठीक है। लीपले कहते हैं कि किसी स्थान का जिस प्रकार का स्थान रहेगा वही उसी प्रकार के मनुष्य के द्वारा कार्य किए जाते हैं और ऐसे ही समाज का विकास वहां होता है। अब लीपले के कार्य को इन्होंने पढ़ा सर पैट्रिक गैडिस ने, और इन्होंने स्थान कार्य समाज की संकल्पना को उलट दिया। कैसे उल्टा, कि किसी भी समाज की हम बात कर, स्थान कार्य जन समूह सर पैट्रिक गैडिस के द्वारा स्थान कार्य और समाज की संकल्पना को दिया गया। जो लीपले के शिष्य रहे हैं और उन्होंने आर्थिक भूगोल में योगदान दिया। आर्थिक भूगोल में नया शब्द कोनार वेसी नगरमाल का यूज किया। कोनार वेसी नगरमाल उनके अनुसार पारिवारिक जीवन शैली, पारिवारिक बजट, फैमिली लाइफस्टाइल एंड फैमिली बजट पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये एक पारिवारिक बजट के ऊपर भी काम करते हैं, आर्थिक भूगोल पर काम करते हैं। इन्होंने लीपले के सूत्र स्थान कार्य परिवार के स्थान पर, स्थान कार्य और लोक, ठीक है, यानी जन समूह में इन्होंने बदल दिया। तो ये था सर पैट्रिक गैडिस। एंड्रयू जे हर्बर्टसन 1865 टू 1950 तक काम करते हैं। इन्होंने क्षेत्रीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रीजनल ज्योग्राफी में ये वर्क करते हैं, इसी कारण से ये रीजनल ज्योग्राफी में वर्क करने के कारण से ही भूगोल को, भूगोल की दृष्टि से विश्व को प्रदेशों में विभाजित किया। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने एक क्षेत्र का या विश्व का रीजनल क्लासिफिकेशन किया, जो जलवायु को बेस बनाया, मिट्टी को बेस बनाया, उच्चावच के आधार पर और वनस्पति की एक रूपता के आधार पर विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। तो 15 प्राकृतिक क्षेत्र जो नेचुरल रीजन बनाए हैं वो एंड्रयू जे हर्बर्टसन के द्वारा बनाए गए हैं। उनके अनुसार प्राकृतिक क्षेत्र में कार्बनिक अकार्बनिक घटक के बीच में परस्पर क्रिया होती है और उसी से नेचुरल रीजन बिल्डअप होते हैं, ठीक है। जलवायु जिस प्रकार की होगी वहां की मिट्टी, उच्चावच, वनस्पति इंटर रिलेट रहते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड टू रीजनल ज्योग्राफी। ही डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 15 नेचुरल रीजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्लाइमेट, सोइल, रिलीफ एंड वेजिटेशन। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन नेचुरल एरियाज। एच जे फ्लूअर, तो एच जे फ्लूअर 1877 एंड 1968, इनकी महत्वपूर्ण बुक का नाम है कॉरिडोर ऑफ टाइम, ठीक है। देख पा रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। कॉरिडोर ऑफ टाइम में उनका मानना था कि मानवीय समस्याओं को केवल स्थान के माध्यम से ही नहीं बल्कि समय और प्रकारों के माध्यम से भी समझा जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हैप्पीनेस की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, पोषण, खुशहाली, और कॉरिडोर ऑफ टाइम में उनका मानना है, उनकी बुक है ये। वे शहर की संरचनाओं, सामाजिक संस्थाओं, कार्य के माध्यम से क्षेत्रीय व्यक्तित्व को स्पष्ट करना चाहते हैं।
और भी वुमेन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप, वुमेन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप राइट करते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से मानवीय क्षेत्रों का विश्लेषण किया है। तो पीपल ऑफ यूरोप इन्होंने राइट किए। उनके अनुसार केवल पर्यावरण ही क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। इट मीन्स ये संभववादी अप्रोच है। नेक्स्ट देखिए पीएम रॉक्सबी। पीएम रॉक्सबी के अनुसार क्षेत्रीय अध्ययन के लिए भू विज्ञान, जल निकासी, समुद्र तट, जलवायु, वनस्पति के आधार पर प्राकृतिक क्षेत्रों का सीमांकन वे मानव पर्यावरण संबंधों के संदर्भ में आवश्यक है। पीएम रॉक्सबी क्या कहते हैं, डिमार्केशन ऑफ नेचुरल एरियाज इज नेसेसरी। तो जो नेचुरल एरियाज हैं या प्राकृतिक क्षेत्र हैं, उनका सीमांकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन, तो मानव और पर्यावरण के संदर्भ में डिमार्केशन जो होता है प्राकृतिक क्षेत्रों का, वो जल निकासी, भू विज्ञान, समुद्र तट, जलवायु, वनस्पति के आधार पर सीमांकन किया जाता है। उन्होंने मानव क्षेत्र की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन स्फीयर प्रस्तावित की और बताया कि प्राकृतिक क्षेत्र के दो मानव क्षेत्रों के बीच में अंतर के लिए विभिन्न स्थानिक संबंध स्पेशल रिलेशन रेस्पॉन्सिबल है। पीएम रॉक्सबी का मानना है कि मनुष्य को बदलते प्राकृतिक क्षेत्र और उनके पर्यावरण के साथ तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन विद एनवायरमेंट बिठाना चाहिए। एस डब्ल्यू वुलरिच जो 1900 से लेकर के 1963 तक के समय में काम करते हैं और उनके अनुसार भौतिक भूगोल मानव जीवन मानवीय गतिविधियों का मंच है। अकॉर्डिंग टू हिम फिजिकल ज्योग्राफी इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमैनिटेरियन। बुक्स क्या राइट किए हैं उन्होंने मॉर्गन के साथ में, वुलरिच ने मॉर्गन के साथ में मिलकर के भू आकृतिक विज्ञान पर एक बुक लिखी है, द फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृतिक विज्ञान पर बुक लिखी है। तो इनकी अपने आप में इनकी बुक ही फेमस है, इन 1956 ज्योग्राफर एज साइंटिस्ट। और थर्ड इनकी बुक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्रिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। अब आ गए हैं सर डडले स्टाम्प। तो डडले स्टाम्प ने ब्रिटेन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और वो है लैंड यूज पे। तो सर डडले स्टाम्प ने विश्व युद्ध में अपने देश को भी प्रोटेक्ट किया है, शिक्षित किया है, साथ में ही ये एशिया में भी भ्रमण किए हैं और 1898 टू 1967 इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है। उन्होंने भू आकृतिक विज्ञान, मृदा भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मानव पर्यावरण के संबंध ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन के अध्ययन में योगदान दिया। तो ये एग्रीकल्चर पे भी वर्क करते हैं और एग्रीकल्चर के विधि देते हैं। स्टैम्प का सबसे महत्वपूर्ण काम ब्रिटेन में लैंड यूज पर घरेलू स्तर का सर्वेक्षण किया है इन्होंने, काउंटी लेवल सर्वे। अब काउंटी क्या होता है, काउंटी एक प्रादेशिक विभाजन और कुछ देशों की स्थानीय सरकार की एक इकाई है। तो काउंटी आमतौर पर शहर, कस्बों और ग्रामीण आबादी से बना हुआ क्षेत्र होता है। तो काउंटी मैग्नेट आपने सुना हुआ है, काउंटी मैग्नेट एरिया। तो काउंटी एरिया एक कमाईली शहर कस्बा से मिलकर बना हुआ होता है। तो वहां काउंटी लेवल पर इन्होंने घरेलू स्तर पर सर्वेक्षण किया है लैंड यूज को लेकर के, और लैंड यूज के मैप इन्होंने रेडी किए हैं। सर डडले स्टाम्प ने इनको जो सर की उपाधि मिली है, ठीक है, इन्होंने भारत की यात्रा भी की है म्यांमार में, रंगून यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं। फिर इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में, क्लार्क यूनिवर्सिटी में,
एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में और वार्सा यूनिवर्सिटी तक इन्होंने पीएचडी वर्क कराया है। ठीक है, बुक्स देखिए इनकी, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, ये बुक चिशोलम की भी है और सर डडले स्टाम की भी है। ठीक है, द लैंड यूज ऑफ ब्रिटेन, यूज एंड द लैंड यूज ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज। तो ब्रिटेन की जो भूमि है उसके यूज क्या है, मिस यूज क्या है, इस बारे में इनकी बुक है। अवर डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है, एशिया अ रीजनल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इनकी बुक है। एशिया में लैंड फॉर टुमारो, भविष्य के लिए जो धरातल कौन सा है, द अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड की यात्रा की और इसी के आधार पर ये बताते हैं कि अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए लैंड यूज कौन सी रहेगी। नेक्स्ट विद्वान रिचार्ड जे चौरे, तो 1927 टू 2002 इनका काम रहा है। तो चार्ली पीटर हैगेट के साथ में, पीटर हैगेट और चोरले के नाम आप एक साथ ही सुनते हैं, तो पीटर हैगेट और चोरले ने भौगोलिक विश्लेषण में सांख्यिकी विधि का या टेक्निक्स का, स्टैटिकल डाटास का यूज किया है और इन्होंने मैथमेटिकल डाटास का यूज किया है। तो स्टैटिक्स टेक्निक का या मैथमेटिकल मेथड्स का यूज करके इन्होंने मॉडल्स इन ज्योग्राफी लिखा है। मॉडल्स इन ज्योग्राफी पीटर हैगेट और चोरले ने मिलकर काम किया है। इन्होंने भौतिक भूगोल, विशेष रूप से जियोमोफोलॉजी में या क्लाइमेटोलॉजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के विकास में मेन योगदान दिया है, या हम कहें कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की शुरुआत है वो करने वाले पीटर हैगेट और चोरले, क्योंकि इन्होंने मॉडल्स की बात की, स्टैटिकल डाटास की और इन्होंने मैथमेटिकल मेथड्स की बात की है। तो पीटर हैगेट और चोरले का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को आगे बढ़ाने में, आगे ले जाने में, ठीक है, प्रकाश प्राप्त कराने में। अब देखिए फ्रंटियर इन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, फ्रंटियर्स ज्योग्राफिकल टेक्निक्स 1975 में, मॉडल्स इन ज्योग्राफी 1967 में, मॉडल्स इन ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण है। सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन ज्योग्राफी 1968 में राइट किया, फिजिकल एंड इंफॉर्मेशन मॉडल इन ज्योग्राफी 1969 में, इंटरग्रेटेड मॉडल इन ज्योग्राफी 1969 में ही किया है। तो देखिए कितनी स्पीड के साथ में ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पीटर हैगेट, तो पीटर हैगेट जो चोरले के साथ में मिलकर, वही बात है कि भूगोल में स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं और मात्रात्मक क्रांति के जनक कहलाते हैं। तो पीटर हैगेट एक प्रमुख मानव भूगोल वेता थे जो स्थानिक विश्लेषण में, स्पासल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, इनकी तो बुक का ही नाम है स्पासल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी या लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो प्रवास के बारे में, शहरीकरण, परिवहन के अध्ययन करने में अपने काम के लिए ये जाने जाते हैं। पीटर हैगेट भूगोल में मात्रात्मक तरीकों से स्टैटिक्स का विकास करते हैं, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में काम करते हैं। ही कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड इन ज्योग्राफी, इनकी बुक का नाम है लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1965, ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस 1975, जो ये मात्रात्मक क्रांति पर बल देते हैं। अब नेक्स्ट विद्वान का नाम देखिए, टिमोथी ओ रिओर्डन, तो टिमोथी ओ रिओर्डन को पर्यावरण भूगोल में योगदान के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने विशेष रूप से सतत विकास, संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा से संबंधित नीतियों के क्षेत्र में काम किया है। तो टिमोथी ओ रिओर्डन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, पर्यावरण भूगोल, ठीक है। ही हैज वर्कड पर्टिकुलरली इन द एरिया रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास, सतत विकास का मीन आप समझते हैं,
के संसाधन का यूज करते हुए आप भावी पीढ़ी के लिए भी रिजर्व रखें। रिसोर्सेस मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी के फील्ड में इन्होंने काम किया। तो इस तरह से ये था ब्रिटिश के ज्योग्राफर का महत्वपूर्ण योगदान। और अब हम लास्ट में जिन विद्वान की बात करने वाले हैं वो हैं ओएचके स्पेट। ओएचके स्पेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को एक महत्वपूर्ण नाम दिया है। तो ये जाने जाते हैं ओएचके स्पेट लंदन लंदन में जन्मे और इनका समय 1911 टू 2000 रहा, ठीक है। और ओएचके स्पेट पूरे प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं और ओएचके स्पेट को पूरे विश्व भर में जाना जाता है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने प्रसंभवतावाद की संकल्पना दी है। प्रसंभवतावाद प्रोबेबिलिज्म, ठीक है। प्रोबेबिलिज्म क्या है? यहां देखिए, सबसे पहले आपने एक नाम सुना है जिसको नियतिवाद कहते हैं या निश्चयवाद कहते हैं। नियतिवाद विचारधारा है, वो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की देन है, ठीक है। नेक्स्ट अवधारणा आती है संभववाद, और वो संभववाद विचारधारा किसके द्वारा दी गई है? फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नवनिश्चयवाद, और नवनिश्चयवाद की अवधारणा के लिए जाता है ग्रिफिथ टेलर को सारा क्रेडिट, जो कहां के हैं, जो अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, बट उन्होंने अमेरिका में ऑस्ट्रेलियन हैं, अमेरिकन हैं और ब्रिटिश हैं, बट इनका महत्वपूर्ण योगदान है वो अमेरिका में रहा है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो अवधारणा है और उसका नाम है प्रसंभवतावाद। तो प्रसंभवतावाद किसने दिया है? ओएचके स्पेट के द्वारा दिया गया है, जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के नाम क्रेडिट जाता है। अब आप क्या समझे कि मानव और पर्यावरण से संबंधित चारों अवधारणाएं नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, प्रसंभवतावाद, जिसमें प्रसंभवतावाद वाली सबसे जो न्यू वाली अप्रोच है प्रसंभवतावाद, जो तीनों ही अवधारणाओं के चलने के बाद में ओएचके स्पेट के द्वारा कॉइन की गई है। तो नियतिवाद अवधारणा जो प्रकृति को शक्तिशाली बताते हैं और इनके जो महत्वपूर्ण योगदान है देने वाले विद्वानों में सबसे पहले रेटजेल आते हैं। रेटजेल ने निश्चयवाद या नियतिवाद की नींव रखी। संभवतावाद, संभववाद शब्द का प्रयोग लूसियन फेब्रे ने किया, जबकि संभावना संभववाद विडाल डी लाप्लास ने दिया, ठीक है। नवनिश्चयवाद जो कि टेलर देते हैं, और प्रसंभवतावाद ओएचके स्पेट के द्वारा दी गई मानव पर्यावरण संकल्पना है, कंसेप्ट है, ठीक है। तो प्रसंभवतावाद क्या कहता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रसंभवतावाद या प्रोबेबिलिज्म क्या कहता है। तो जिस प्रकार से नियतिवाद प्रकृति को शक्तिशाली बताते हैं, संभववाद जो मानव को शक्तिशाली बताते हुए प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं, वहीं पर नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया, जिसको रुको और जाओ नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं, जिसको वैज्ञानिक डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, वहीं पर प्रसंभवतावाद कहते हैं कि प्रकृति कुछ संभावनाएं प्रदान करती है, लेकिन उनमें से कुछ ही संभावनाएं संभाव्य होती है, कुछ ही संभावनाएं हैं जो पॉसिबल हो पाती हैं, और पॉसिबल में से भी उचित का चयन करना ही प्रसंभवतावाद है।
कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, उस अपॉर्चुनिटी में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी का चयन करके और फिर आप अपना विकास करें, तो ऐसा ओएचके स्पीड ने बताया और वो प्रसंभवतावाद के जनक कहलाते हैं जो ब्रिटिशर्स हैं। और ये ब्रिटिश के थिंकर हैं, ज्योग्राफर हैं, जिन्होंने प्रसंभवतावाद को दिया है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का एंड करते हैं। तो इसी के साथ हमने देखा कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण विद्वानों ने वर्क किया है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पे, प्रसंभवतावाद पे, नेचुरल रीजंस को डिफाइन करने में, नगरमाल, कोनार, बेसिन, ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी में भी सीमाएं सीमांत पर भी काम किया है। तो काफी महत्वपूर्ण ज्योग्राफर रहे हैं। इनके बाद में अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट को हम पढ़ेंगे। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें अमेरिका को हम तीन भागों में विभक्त करके देखेंगे, जिसमें उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और मध्य अमेरिका। यहां देखिए मेक्सिको से लेकर के पनामा नहर तक का भाग, मेक्सिको से पनामा तक का भाग जो एरिया है उसको मध्य अमेरिका तो तीन भागों में हम स्टडी करेंगे, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के विद्वानों का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के विलियम मॉरिस डेविस, जो फादर ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफी कहलाते हैं, अमेरिका में भू आकृतिक विज्ञान के फादर कहे जाते हैं विलियम मॉरिस डेविस। ग्रिफिथ टेलर ने भी वही काम किया है। तो इस प्रकार से अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट की शुरुआत है वो 19वीं सदी के अंत से और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रभावी रही, जबकि रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के बाद का जो पीरियड है इसमें विलियम बोंगे जो सपोर्ट करते हैं, पीटर हैगेट, चोरले, बीजेएल बेरी और विलियम बूंगे, ये ऐसे विद्वान हैं जो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मात्रात्मक क्रांति पर वर्क करते हैं। विलियम बूंगे ने बाद में मात्रात्मक क्रांति के खिलाफ भी हो गए हैं। तो इन सभी बातों का जिक्र हम अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में करेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। इसी के साथ फिलहाल ये है क्लास का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.